नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, 5 सेकंड में स्त्री आपके प्यार में दीवानी बन जाएगी। 5 सेकंड में स्त्री आपके प्यार में दीवानी बन जाएगी। आज मैं एक ऐसी स्त्री वशीकरण करने का बहुत ही आसान और बहुत ही चमत्कारी उपाय मैं बताने जा रहा हूं। ये उपाय के जरिए से आप किसी भी स्त्री को अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हैं, अपनी तरफ उसे आप सम्मोहित कर सकते हैं, उसे आप आकर्षित कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज मैं एक ऐसी शक्तिशाली पावरफुल स्त्री वशीकरण करने का चमत्कारी उपाय, आसान से आसान उपाय आज मैं बताने जा रहा हूं। आखिर वो कैसे होगी, स्त्री को आप कैसे वशीकरण कर सकते हैं? ना सिर्फ स्त्री, आप किसी भी पुरुष, किसी भी लड़की या आप अपने पत्नी को भी अपने मोहित कर सकते हैं। आप उसे अपना दीवाना बना सकते हैं। आपके प्यार में वो दीवानी बन करके आपके आगे पीछे घूमेगी और आपका प्यार के चक्कर में वो परेशान रहेगी। आखिर इसको कैसे करना है, इसके लिए आप हमारे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मैं माता कामाख्या से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, वशीकरण का अर्थ यही होता है कि आप किसी का भी मन को आप अपने मुट्ठी में रख सकते हैं, किसी का भी दिलो दिमाग को आप अपने कब्जे में रख करके आप जैसा चाहेंगे वैसा वो करने को तैयार हो जाएगी। आप जो बोलेंगे वो सो मानने को तैयार हो जाएगी। इसी को कहते हैं वशीकरण। उसके बाद किसी को भी सम्मोहित करने का बहुत सा लोग क्या करते हैं, किसी को भी अपने और वशीकरण करने का बहुत तरह का वशीकरण यंत्र का धारण करते हैं, वशीकरण मंत्र का जाप करते हैं, बहुत तरह का क्रिया करते हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी देखे होंगे कि वशीकरण सफल नहीं हो पाते हैं। आखिर इसको वशीकरण को कैसे सफलता प्राप्त किया जाए, तो मैं आज एक ऐसी शक्तिशाली कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। उस चीज के द्वारा आप किसी को भी वशीकरण कर सकते, बहुत ही आसान और बिल्कुल सरल तरीके से। आपको कहीं कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र जाप आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई 41 दिन 21 दिन की कोई आपको उपवास या साधना का आवश्यकता नहीं है। मात्र छोटा सा उपाय से आप किसी को भी अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हैं, किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उससे आप मन चाह काम को करवा सकते हैं। मित्रों, लेकिन वसते आपसे मेरा एक गुजारिश है, इस क्रिया को कभी भी आप गलत प्रयोग ना करें, अन्यथा इसका उपयोग जो है बहुत ही नुकसान करेगा और उसका परिणाम भी गलत होने लगेगा। आप जब भी इस प्रयोग को करें, जिसको आप जीवन भर दासी बनाकर रखना चाहते हैं, जीवन साथी बनाकर रखना चाहते हैं, तभी इस प्रयोग को करें, तभी आपको वशीकरण क्रिया सफल तो होगी। नंबर 2, वशीकरण करने के लिए आपको सबसे पहली बात, मन को एकाग्रचित आपको रखना पड़ेगा और मन में आपको विश्वास को कायम रखना पड़ेगा। आप जो भी टोटके कर रहे हैं, आपको मन में ये दृढ़ विश्वास रखिए कि ये टोटके एकदम 100% कारगर साबित होगी और जिसके लिए मैं वशीकरण कर रहा हूं वो एकदम पल भर में मेरा वशीकरण हो जाएगा। इसी भावना को रखते हुए करना है। तो करना ये है, आपको क्या करना है उसके लिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वशीकरण क्रिया को कर सकते हैं। मित्रों, आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन में, किसी भी सोमवार, चाहे वो आपको कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, किसी भी सोमवार के दिन में 2-4 पीस आपको बेल पत्र लेना होगा। बेल का पत्र आपको 2-4 पीस ले लीजिएगा, 2-4 पीस इलायची, 2-4 पीस आपको लौंग, जो बिना टूटा फूटा लौंग आपको 2-4 पीस लेना होगा, 2-4 पीस इलायची और बेल पत्र के साथ साथ में आप चंदन का पाउडर बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है, उसको चंदन का पाउडर भी आपको लेना है। लेकर करना क्या है, ये सारे चीज को मिक्स करके एक बुकनी पाउडर बना लीजिएगा और पाउडर बनाने के बाद चमेली का तेल में आप उसको घोल करके
आप रख लीजिएगा, किसी भी कटोरी, चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, ये कांसा का भी, कोई भी कटोरी में उसको घोल करके पूजा स्थान में रख करके धूप दीप अगरबत्ती जला करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके आपको बैठना है, और बैठ करके आपको आसन बिछा करके वस्त्र साफ सुथरा पहन करके आपको इस मंत्र को जाप करना पड़ेगा 108। एकदम सिद्ध मंत्र है, इसको आप अगर कर देते हैं उस कटोरी के तरफ जिसमें आप सारे सामग्री रखे थे उस कटोरी के तरफ रख करके बोलिएगा ओम ह्रीं कामख्या भैरवि नमो नमः, ओम ह्रीं कामख्या भैरवि नमो नमः, ओम ह्रीं कामख्या भैरवि नमो नमः। आशा करता हूं आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। इसी मंत्र को 108 बार जाप करके उसको आप वहीं छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जिस स्त्री को आप चाहते हैं, जिस स्त्री का प्यार को आप चाहते हैं, वो आपसे अगर बात नहीं करना चाहती है, बस उसी को जो घोल करके रखे थे उसका तिलक आपको लंबा लगा करके आप उसके नजदीक जैसे ही जाइएगा वो आपसे सम्मोहित हो जाएगी, आपके वशीकरण हो जाएगा और आपका पल भर में प्यार में दीवानी हो जाएगी और आपका प्यार में तड़पने लगेगी। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप जरूर अजमाएं, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।